दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप भी फ्लिपकार्ट पर पे लेटर को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करने का ये फायदा होता है दोस्तों कि आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग वहां पे आपको कुछ ना कुछ लिमिट मिल जाती है और जितने रुपए की आपको लिमिट मिलती है उतने रुपए का आप कोई भी प्रोडक्ट वहां पे बाय कर सकते हैं, तो आपको 30 दिनों में चुकाना होता है। इसके अलावा आपको पता है कि फ्लिपकार्ट से अगर कोई प्रोडक्ट आप EMI पे लेना चाहते हैं तो वहां पे आपको क्रेडिट कार्ड होना जरूरी होता है, लेकिन अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का पे लेटर एक्टिवेट है तो आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है, आप उसी लिमिट का यूज करके कोई भी प्रोडक्ट वहां से EMI पे बाय कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको इसी का प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आप अपने फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आपको बेल आइकन पर प्रेस करना और यहाँ पे ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो लाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो नीचे बॉटम पे आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, होम, कैटेगरी, नोटिफिकेशन, अकाउंट और कार्ट। आपको सिंपली अकाउंट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अब अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक हेडिंग देखने को मिल रही है क्रेडिट ऑप्शन, और इसके नीचे आपको देखने को मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे लेटर। यहाँ पे आपको एक्टिवेट का बटन मिलेगा, आपको सिंपली फ्लिपकार्ट पे लेटर वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे लेटर पे टैप करेंगे कुछ सेकंड की यहाँ पे प्रोसेसिंग चलेगी, उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा, तो ऊपर की साइड इस तरह से आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पर टैप कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो अब आपको ऊपर वाले बॉक्स में यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर इस तरह से एंटर कर देना है और अगेन आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे टैप कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू के बटन पे टैप करेंगे आपसे SMS की परमिशन को अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तो कंटिन्यू पर टैप करके आपको अपनी SMS की परमिशन को यहाँ से अलाउ कर देना है। जैसे आप SMS की परमिशन को अलाउ कर देंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाती है। उसके बाद नीचे आपको वेरीफाई वाले बटन पर टैप करके अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई वाले बटन पर टैप करते हैं आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है और आपकी KYC की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाती है, तो इसको आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको एग्री एंड सबमिट वाले बटन पर टैप कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक इस तरह का पॉपअप आ जाता है जिसमें लिखा होता है डाउनलोड रिक्वायर्ड, तो आपको डाउनलोड वाले बटन पर टैप करना है। जैसे आप डाउनलोड वाले बटन पर टैप करेंगे कुछ सेकंड की यहाँ पे प्रोसेसिंग चलेगी और उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस इस तरह का आ जाता है। अब यहाँ पर आपको कुछ परमिशन को अलाउ करने के लिए बोला जाता है, जैसे कि SMS, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, डिवाइस इन्फॉर्मेशन। तो नीचे कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे आप टैप करेंगे यहाँ से 1x1 करके आपको अलाउ करते जाना है, तो आपकी सभी परमिशन यहाँ से इस तरह से अलाउ हो जाएंगी। इसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू के बटन पर अगेन टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो चेकिंग योर एलिजिबिलिटी नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेक की जा रही है। आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करके बताया जाएगा कि आपको यहाँ पे कितनी लिमिट मिल सकती है, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम 60 सेकंड तक वेट करना पड़ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको इस तरह का देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको अपनी UPI ID एंटर करने के लिए बोला जाता है, कोई भी एक एक्टिव UPI ID आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ टेम्पलेट बताया गया है, Paytm, GPay, कोई भी है, आप यहाँ पे अपनी UPI ID एंटर कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, नीचे आपको एक लिंक देखने को मिल रही है एंटर अनदर UPI ID, आपको इस पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे यहाँ पे आपको UPI ID डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको एक एक्टिव UPI ID अपनी यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद आपको वेरीफाई एंड सबमिट पे टैप कर देना है। जैसे आप वेरीफाई एंड सबमिट पे टैप करेंगे आपकी UPI ID को यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे चेकिंग योर एलिजिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा। अब ये बिल्कुल फाइनल स्टेज है, आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिमिट मिलने वाली है और इसके बाद फाइनल पेज आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा सिविल स्कोर यहाँ पे काफी कम था, इसलिए मुझे सिर्फ 1500 रुपए की यहाँ पे लिमिट मिली है। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर काफी अच्छा है तो आपको 5000, 10000, 20000, 50000 कितनी भी लिमिट यहाँ पे मिल सकती है। एक्चुअली जैसे कि मैं आपको अपने अकाउंट को ओपन करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर जैसे कि मैं अपने फ्लिपकार्ट पे लेटर को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे 1500 रुपए की लिमिट मिली है। वो ऊपर की साइड आप देख सकते हैं मैं इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आप भी अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट पर फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।